लेमन ग्रास से तैयार करें यूनानी चाय। सर्दी के मौसम में खांसी और जुकाम जैसे रोग होना आम बात है, ऐसे में इस खरमकी या लेमन ग्रास एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों से बनाई गई सर्दी के मौसम में खांसी और जुकाम जैसे रोग होना आम बात है ऐसे में इस खरमकी या लेमन ग्रास एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों से बनाई गई चाय कई रोगों में फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में। फायदे: यह चाय सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, गले में दर्द, सीने में दर्द, नजला और जोड़ों के दर्द में फायदेमंद होती है। गुण: एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर यह चाय सर्दी के अलावा किसी भी मौसम में पी जा सकती है। चाय बनाने के लिए सूखी व ताजी दोनों तरह की लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे बनाएं: एक कप चाय के लिए पानी में इस खरमकी के पौधे की 3 से 4 पत्तियों को उबाल लें। उबाल आने पर इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालें। पानी में पत्तियों का रंग आने के बाद छान कर इस्तेमाल करें। इस चाय को भोजन करने के आधा घंटा बाद पी सकते हैं। लेमन ग्रास से तैयार करें यूनानी चाय। सर्दी के मौसम में खांसी और जुकाम जैसे रोग होना आम बात है, ऐसे में इस खरमकी या लेमन ग्रास एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों से बनाई गई सर्दी के मौसम में खांसी और जुकाम जैसे रोग होना आम बात है ऐसे में इस खरमकी या लेमन ग्रास एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों से बनाई गई चाय कई रोगों में फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में। फायदे: यह चाय सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, गले में दर्द, सीने में दर्द, नजला और जोड़ों के दर्द में फायदेमंद होती है। गुण: एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर यह चाय सर्दी के अलावा किसी भी मौसम में पी जा सकती है। चाय बनाने के लिए सूखी व ताजी दोनों तरह की लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे बनाएं: एक कप चाय के लिए पानी में इस खरमकी के पौधे की 3 से 4 पत्तियों को उबाल लें। उबाल आने पर इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालें। पानी में पत्तियों का रंग आने के बाद छान कर इस्तेमाल करें। इस चाय को भोजन करने के आधा घंटा बाद पी सकते हैं।